हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे एक नई वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। ये आप जो बड़े बड़े पत्ते देख रहे हो, ये बरगद के पेड़ के नहीं हैं, ये है रबर प्लांट, जो एक प्यूरीफायर प्लांट प्लांट होता है, इंडोर प्लांट होता है। इसे ज़्यादातर लोग इंडोर में ही रखना पसंद करते हैं और इंडोर में ही रखा जाता है, ये ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो मैंने इनको सिर्फ पत्तों से लगाया था, ऐसे ही सिर्फ पत्ते लगा दिए थे। तो ये जो आप देख रहे हो, ये डस्ट में है, सैंड जो होती है उसमें है, और रिवर सैंड, और ये मिट्टी में है। तो मैंने मतलब जो भी मुझे समझ में आया, मैंने सभी गमलों में ये थोड़े लगा दिए थे, हो गए हैं। तो ये मैंने लगाए थे जुलाई के महीने में, जब मेरा बेटा स्कूल जाता था तो स्कूल से ही मैंने लगाए थे। मैंने इसकी एक वीडियो भी मतलब शेयर की है कि किस तरह से लगाना है। तो आप देख रहे हो कि ये दूसरे उसकी जड़ है, और देखो अभी मैं इसको और पानी में डुबो के बताऊंगी कि किस तरह से ये निकले हुए हैं। तो देखिए, इसको मैं बता रही हूँ, आराम से इनको पानी में डुबोकर धोना है। भाई ये धूप में रखा रहता था, इसलिए ये देखिए पत्ता ख़राब होने चालू हो गया था। देखिए सिर्फ एक पत्ता है, कुछ भी नहीं है, ना तो इसकी कोई स्टिक है और ना कुछ, सिर्फ एक पत्ते से ही ग्रो हो जाता है, और ये पानी में भी प्रोपेगेट हो जाता है और मिट्टी में भी। ये देखिए इसी तरह से ये दूसरा भी है, ये मैंने सैंड में लगाया था, तो ये लेकिन छाए में रखा था, तो देखो ये अभी भी अच्छा है। तो आज इसकी मैं रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ कि जिससे ये मिट्टी में लग जाए तो थोड़ा बढ़ जाए। तो इसकी मिट्टी बनाते हैं और इसकी केयर वगैरह भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से केयर करना है, किस तरह से पानी डालना है और खाद वगैरह किस तरह से डालना है, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो इसकी मिट्टी आप देख लीजिए, मैं इस तरह के गमले में लगा रही हूँ। तो हमें मिट्टी कितनी लेना है, जैसे कि आप, ये मेरी पुराने गमलों की मिट्टी है जो मैंने दो दिन से सूखने डली थी, रात में मैंने थोड़ी सी बनाई थी। तो देखिए, जैसे मैंने इतनी मैंने मिट्टी ले ली है, तो इतना जितना खाली है उतनी ही इतनी मुझे सिर्फ तीन चार मुट्ठी, मैंने पांच मुट्ठी समझ लीजिए मैंने रेत ले ली है। और अब मैं इसमें गोबर खाद डालूंगी, जो नाइट्रोजन का रिच स्रोत है, वो रहता है, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 50% आपने मिट्टी ली है, तो उसमें 20-20% रेत और गोबर खाद आप मिला सकते हो। और अगला है कि इसमें फंगस वगैरह ना लगे और जो रबर प्लांट है इसके पत्तों में चमक आए, उसके लिए मैं नीम खली का यूज़ करने जा रही हूँ। तो देखिए ये है नीम खली, होममेड, इसको दर दरा कूट लिया है, जिससे ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते हुए लंबे टाइम तक ये अपने जो प्लांट को है पोषण देती रहेगी। बस अब इन सबको मैं उड़ेल कर और मिक्स कर लूँगी। रिवर सैंड की जगह पे आप इसमें राइस हस्क वगैरह भी डाल सकते हो, राइस हस्क है, कोकोपीट है, ये आप डाल सकते हो इसमें। रबर प्लांट जो होता है इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, ये कुछ दिन, अगर दो तीन दिन इसमें पानी नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन जैसे ही आपको लगे कि ज़्यादा दिन हो गए हैं, थोड़ा सा मुरझाया हुआ सा पेड़ लगे, तो आप इसमें पानी डाल दें। और ज़्यादा पानी से क्या होता है, सड़ने गलने का डर होता है कि ये नीचे से गलना चालू हो जाता है जड़ों के थ्रू। तो देखिए अभी मैंने इतना भर लिया है, और
देखिए कितनी सारी जड़ें हो गई हैं इसमें, सिर्फ एक पत्ता है और कुछ नहीं इसमें, क्योंकि ये सैंड में लगा था तो ये साफ़ है। और देखिए इसको इसी तरह से लगा लूँगी, और जो बाकी मिट्टी थी वो भी मैं यहाँ डाल दूँगी। आप इसमें बोन मील भी डाल सकते हो, मैं बोन मील नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज मैं छूना नहीं चाहती हूँ, मेरा व्रत है। तो देखिए इसको इतना ही दबाना है कि ये पत्ता दब जाए, ज़्यादा नहीं दबाना है। देखिए इतना इसकी साइड की जो मिट्टी अच्छे से दबा दें, जिससे कि इसकी जड़ें हिले नहीं, क्योंकि हिलने से क्या होता है कि जड़ें हिल जाती हैं तो वो मजबूत नहीं हो पाती हैं, फिर प्लांट बढ़ नहीं पाता है। इस तरह से, और अब ये पानी डाल देंगे हम। तो अब करते हैं इसकी केयर की बातें। तो अभी तो हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे सुबह की एक दो घंटे की धूप ही मिले, और ज़्यादा धूप नहीं इसको चाहिए होती है। अगर ज़्यादा धूप अगर रखते हैं ना, तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये यहाँ से जलना चालू हो गया, बर्न होने लगा है, तो इस तरह से ये बर्न होने लगते हैं पत्ते इसके। ज़्यादातर जो लोग गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता होता है, जो लोग इंडोर प्लांट लगाना पसंद करते हैं उन्हें ज़्यादातर लोगों को पता रहता है कि रबर प्लांट एक बहुत अच्छा प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे ब्राइट लाइट पसंद है, पर ज़्यादा इनडायरेक्ट लाइट पसंद, इनडायरेक्ट लाइट ही पसंद है, मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है इसमें ये वेस्ट ग्रोथ करता है, और आफ्टरनून की जो सनलाइट होती है उसमें अगर आप रखोगे तो इसकी जो मैंने बताया था कि इस तरह से ये पत्तियां जो हैं जलना चालू हो जाती हैं, और इसको जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से अगर कम होगा तो ये डोरमेसी में चला जाता है, और 40 डिग्री से अगर अधिक टेम्परेचर होता है तो भी ये पसंद नहीं करता है, ये बर्न होने लगता है और बढ़ता नहीं है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और इसमें जो खाद डाली जाती है नाइट्रोजन, ये बहुत पसंद करता है। इसमें सबसे अच्छा जो नाइट्रोजन का है वो गोबर खाद, तो इस ये अच्छी रहती है इसके लिए, क्योंकि गोबर खाद में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। और इनके पत्तों में चमक अच्छी से आती रहे, ग्रोथ चमक अच्छी आती है व ग्रोथ करता है। गमले में बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होल होना चाहिए, नहीं तो ये गलना चालू हो जाएगा। जो भी आप गमला गमले में लगाएं उसमें ड्रेनेज होल का खास ध्यान रखें कि उसमें बहुत ज़्यादा हो। और इसे लगाने के लिए सोइल मिक्सचर में 20% आप, जैसा मैंने बताया है, गार्डन सॉइल, और 20 जैसे एक पॉट दो पॉट मैंने मिट्टी ली है तो दो एक एक पॉट आप सैंड और कंपोस्ट डालिए, और इस तरह से आप इसको लगाइए। मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ज़्यादा आपको सैंड नहीं लेना है और ना ही ज़्यादा आपको गोबर खाद, और बस इस तरह से आप लगाइए और इसको रखिए। और जब इसका मतलब प्लांट हो जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके पत्ते को मिट्टी से दूर करना है, सिर्फ उतनी स्टिक जो है पत्ते की उसको ही लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।